हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की स्टूडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन एक्सेलरेशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय, कुछ इस तरह से आपको डिस्प्लेसमेंट दिया, एस इज इक्वल्स टू 2t² + 2t + 4, वेयर एस इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकंड। What will be the acceleration of the particle? तो यहां पे इस केस में हमें acceleration find करना है particle का, okay? तो जैसे हमें पता है कि acceleration क्या होता है? It is acceleration equals to होता है dv by dt, और velocity क्या होती है? Velocity होती है ds by dt। इसका मतलब क्या कि मुझे अगर displacement से अगर acceleration find करना है तो सबसे पहले velocity find करनी पड़ेगी और फिर acceleration। तो फिर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे फाइंड करें? ऐसे ऐसे मतलब डेरिवेटिव लेकर, राइट? सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा डी एस बाय डी टी, डी बाय डी टी ऑफ, पूरा इक्वेशन लिखते हैं यहां पे 2t² + 2t + 4, राइट? सो दैट इज व्हाट, यहां पे डेरिवेटिव हम लोग सेपरेट कर लेंगे, तो डी बाय डी टी ऑफ ये हो जाएगा 2t² + d/dt of 2t + d/dt of 4, ओके? तो हमें जैसे पता है कि डेरिवेटिव में जो कांस्टेंट और वेरिएबल अगर साथ में है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सो 2 times d/dt of t² हो जाएगा, प्लस यहां से 2 अगर बाहर आ गया तो d/dt of ये हो जाएगा t, और प्लस यहां से अगर 4 बाहर निकालना है तो निकाल सकते हो, अदरवाइज सिंगल कांस्टेंट है उसको हम लोग एज इट इज रख देते हैं, ओके? नाउ 2 into, अब 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा, सॉरी t² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, राइट? कौन सा फॉर्मूला लगा हमने, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, d/dx of x^n, दैट इज n x^n-1, ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज कर रहे हैं। सो 2 डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t ये 1 हो जाएगा, प्लस 0 क्योंकि 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 4t + 2। और ds by dt मतलब क्या है, तो वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया वेलोसिटी, ओके? देन हमें फाइंड करना था एक्सेलरेशन, तो मैं इस इक्वेशन को फिर से लिखता हूं, वेलोसिटी इक्वल्स टू, हमारे पास इक्वेशन आ गया था 4t + 2, और एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको फिर से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर से dv/dt इज इक्वल्स टू d/dt of 4t + 2, तो dv/dt मतलब क्या, एक्सेलरेशन, तो डेरिवेटिव यहां पे सेपरेट कर देंगे, ये हो जाएगा 4t + d/dt of 2, राइट? तो 4 फिर से बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव आएगा सिंपली t का विथ रिस्पेक्ट टू t, प्लस ये कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिखा तो भी चल जाएगा क्योंकि सिंगल कांस्टेंट है। सो 4 into डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t ये 1 हो जाता है, प्लस 2 इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, दैट इज व्हाट द 4 एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये एक्सेलरेशन इस केस में आ जाता है, ओके? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द रिलेशन बिटवीन टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स इज, रिलेशन कुछ इस तरह से दिया है, देखो टी इज इक्वल्स टू α x² वेयर अल्फा एंड बीटा, सॉरी यहां पे बीटा भी है, प्लस बीटा एक्स आर कॉन्स्टेंट, देन कैलकुलेट द रिटार्डेशन। हमें यहां पे रिटार्डेशन फाइंड करना है। नाउ व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन इज नथिंग बट द निगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहां पे रिटार्डेशन फाइंड करना है, इसका मतलब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और वो वैल्यू अगर निगेटिव में आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली हम लोग रिटार्डेशन बोल सकते हैं उसको, राइट? तो सबसे पहले यहां पे अगर देखते तो फंक्शन जो है वो टी है, और राइट साइड में जो फंक्शन है, फंक्शन मतलब यहां पे वेरिएबल, वो एक्स है। तो जनरली डेरिवेटिव का रूल कुछ ऐसे होता है कि जो राइट साइड में वेरिएबल होते हैं हम लोग उसी से डिफरेंशिएट करते हैं। अगर यहां पे टी से डिफरेंशिएट किया तो नहीं चलेगा क्या? चलेगा, बट एक दो स्टेप बढ़ जाएगी हमारी। तो बेटर हम लोग रूल को फॉलो करते हुए राइट साइड में जो वेरिएबल है उससे डिफरेंशिएट कर लेते। तो देखो हमें क्या मिलेगा इस केस में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि राइट साइड में क्या है, एक्स है। तो इट इज dt/dx
is equals to d by dx of alpha x square plus beta x. लेकिन हमें पता है कि अल्फा और बीटा क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे गिवन है. सो पहले डेरिवेटिव सेपरेट कर देते हैं, d by dx of अल्फा x square, ये पहला फैक्टर, प्लस दूसरा d by dx of बीटा x. ओके, सो अल्फा कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो, ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ x square, और प्लस बीटा भी बाहर ले लो, तो ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ d by dx of x. सो अल्फा x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, प्लस बीटा x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 1 होता है, दैट इज 2 अल्फा x प्लस बीटा. ओके, तो ये हो जाएगा dt by dx. नाउ इसका हम लोग लेते हैं रेसिप्रोकल. सो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा dx by dt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा, राइट. और dx by dt क्या होता है, दैट इज अ v वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगी अभी 2 अल्फा x प्लस बीटा. तो ये होगी वेलोसिटी की वैल्यू. लेकिन हमें फाइंड करना था रिटार्डेशन, और मैंने कहा था रिटार्डेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, राइट. तो मैंने इस पेज पर फिर से ये वैल्यू लिख लेता हूँ. देखो v की वैल्यू क्या थी, v था 1 अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा. नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज dv बाय dt. तो यहां पे हमें क्या करना है, हमें यहां पे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t. तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. तो देखो dv बाय dt इज इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ 1 अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा. ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा. ओके, नाउ हमें डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला यहां पे यूज करना पड़ेगा, d बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x. ये फॉर्मूला होता है, इट इज माइनस ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर. ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर, मतलब 2 अल्फा x प्लस बीटा होल स्क्वायर. बट यहां पे एक चीज का जो प्रिकॉशन लेना वो ये है कि ये जो फंक्शन था, देखो मैं यहां पे दूसरे कलर से शो करता हूं, ये जो फंक्शन था वो x था, और डिफरेंशिएट किससे कर रहे थे, x से ही कर रहे थे, तो आंसर हमारा राइट है. लेकिन यहां पे हम लोग डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं, t से कर रहे हैं, लेकिन ये तो t नहीं है, तो ये अगर t नहीं है तो इसका डबल डेरिवेटिव लेना जरूरी हो जाता है. तो ये हम लोग लिखते हैं d बाय dt ऑफ 2 अल्फा x प्लस बीटा, दैट इज कॉल्ड एज डबल डेरिवेटिव, दैट इज अ रूल इन केस ऑफ डेरिवेटिव, राइट. सो माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा स्क्वायर. अब यहां पे डेरिवेटिव फिर से हम लोग सेपरेट अगर कर देते तो 2 अल्फा कांस्टेंट है, मैं डायरेक्टली बाहर लिख देता हूं, dt बाय डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा, प्लस बीटा को अगर बाहर लिखना है तो लिख सकते हैं, फिर यहां पे क्या बचेगा, 1. ओके, सो हियर इट इज माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा x स्क्वायर, ब्रैकेट में 2 अल्फा डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब ये हो जाएगा चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये हो जाएगी वेलोसिटी, और प्लस जीरो, क्योंकि वन इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो इंटू बीटा मतलब जीरो हो जाता फैक्टर. तो अब यहां पे हमें मिलेगा माइनस ऑफ 2 अल्फा डिवाइड बाय 2 अल्फा x प्लस बीटा होल स्क्वायर इंटू वी. ओके, क्लियर है. नाउ ये अगर मैं इक्वेशन 1 दे दूं, देखो यहां पे क्या मिलता है आपको, यहां पे 1 अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, v है. तो यहां पे इस केस में भी हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. देखो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, सो दैट लिखने के लिए इजी हो जाएगा. तो जैसे हमारे पास इक्वेशन था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा होल स्क्वायर, मैं 2 अल्फा जानबूझकर यहां पे लिख रहा हूं, और इनटू देखो क्या वैल्यू थी हमारे पास, प्रीवियस पेज में देख लेते हैं, 2 अल्फा और उसके साथ v की वैल्यू थी, राइट. तो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे v. अब ये जो 1 अपॉन वाली टर्म है, दैट इज व्हाट द वेलोसिटी, लेकिन वो वेलोसिटी स्क्वायर में नहीं है. देखो जैसे यहां पे मैं आपको शो कर रहा हूं, ये जो मैंने इक्वेशन 1 लिखा है, यहां पे 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, वेलोसिटी. तो अगर 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो वेलोसिटी का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. मतलब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, हियर इट इज माइनस ऑफ वी स्क्वायर इंटू 2 अल्फा वी,
मतलब ये क्या हो गया माइनस ऑफ टू अल्फा वी क्यूब, दैट इज व्हाट द एक्सेलरेशन। लेकिन ये एक्सेलरेशन देखो क्या आया है, निगेटिव आया है। सो निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रिटार्डेशन, मतलब ये ही रिटार्डेशन की यहाँ पे वैल्यू है। हियर माइनस साइन इंडिकेट द रिटार्डेशन। ओके, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम था। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। तो हमें पता है कि अगर ये यहां पे शो करता तो इट इज ईस्ट, नॉर्थ, ये हो जाएगा वेस्ट और ये हो जाएगा साउथ। तो इनिशियली जो पार्टिकल है वो ईस्टवर्ड जा रहा है विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। इन 10 सेकंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड। ओके, मतलब यहां पे इनिशियल ये थी डायरेक्शन और 10 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, वो नॉर्थ साइड में मूव हो रहा है। इसको नॉर्थ प्रॉपरली हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये इस तरह से नॉर्थ साइड में मूव हो रहा है। ओके, तो ये 5 मीटर पर सेकंड और ये 5 मीटर पर सेकंड। तो पूछा क्या हमें, द कैलकुलेट द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम। ओके, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। पर यहां पे चेंज इन वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। देखो इस केस में जो वेलोसिटी है इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इस डायग्राम को ना हमें फिर से ड्रॉ करना पड़ता है यहां पे जस्ट टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। तो इस केस में इनिशियल डायरेक्शन थी ये, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, और आफ्टरवर्ड डायरेक्शन हो गई ये, दैट इज अगेन 5 मीटर पर सेकंड। देखो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दोनों वेक्टर को आगे पीछे ड्रॉ कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। तो ये हो गई डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का अगर एंगल है तो यहां पे पता हमें मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना होता है, राइट। तो उसके पहले हम लोग पहले तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डेल्टा वी बार को हम लोग लिख सकते हैं वी टू माइनस वी वन बार में, दैट इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस चेंज इन वेलोसिटी। नाउ इन दिस केस वी कैन राइट हियर अंडर रूट ऑफ वी टू स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर माइनस टू टाइम्स वी वन वी टू कॉस थीटा, राइट। ये फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का, डेल्टा वी मैग्नीट्यूड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, अब एक वैल्यू है 5 स्क्वायर, दूसरी वैल्यू है 5 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 5 इंटू 5 और एंगल कितना है कॉस 90। तो कॉस 90 इज 0, मतलब बचेगा क्या हमारे पास 25 प्लस माइनस 0, सो दैट विल बी इक्वल्स टू वॉट, इट इज 2 इंटू 25, क्योंकि 0 तो निकल गया, दैट इज 5 रूट 2। ये हो जाएगी चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू, राइट। अब ये वैल्यू हमें क्या करना है, इक्वेशन लेट्स इट इज इक्वेशन 1 यहां पे पुट कर देनी है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू 5 रूट 2 बाय 10। तो ये हो जाएगा √2/2 एंड विच इज इक्वल टू 1/√2, क्योंकि 2 मतलब क्या होता है √2 × √2। तो ये हो जाता है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस सच दैट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, ये हमें वेलोसिटी की वैल्यू दी है वी इक्वल्स टू 4t³ - 2t, दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, वेयर टी इज इन सेकंड एंड वी इज इन मीटर पर सेकंड, मतलब दोनों SI यूनिट्स है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है पार्टिकल का जब ये ओरिजिन से 2 मीटर पर है। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, दैट इज dv/dt, राइट। तो चलो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां पे हो जाएगा dv/dt इज इक्वल्स टू 4, या फिर इसको डेरिवेटिव फॉर्म में भी लिखना है हमें, सो 4t³ - 2t। नाउ डेरिवेटिव सेपरेट कर देते, 4 कॉन्स्टेंट इसको हम लोग पहले से बाहर लिख लेंगे, तो d/dt ऑफ t³ माइनस 2 टाइम्स d/dt ऑफ टी। ओके, सो हियर इट इज 4, t³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3t², ये फॉर्मूला हमें पता है कैसे लिखा है, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा 1, दैट इज 12t² - 2। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव मतलब एक्सेलरेशन।
जो हमें फाइंड करना था, राइट। पर यहाँ पे एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होता है, क्योंकि आपको पूछा गया है एक्सेलरेशन व्हेन इट इज फ्रॉम 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन 2 मीटर क्या है, ये जो मीटर है ये x की वैल्यू है, दैट इज 2 मीटर, दैट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो आया है इन टर्म्स ऑफ टाइम, यहाँ पे कहीं पर भी x नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या है, इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू रिप्लेस करने के लिए हमें फाइंड करना है टाइम कब, जब ये पार्टिकल 2 मीटर पर रहेगा। मतलब हमें क्या फाइंड करना है कि कौन से टाइम में ये पार्टिकल 2 मीटर पर गया था। तो इसके लिए हमें इस वेलोसिटी की मदद से सबसे पहले तो पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी। और जैसे हमें पता है कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मिलता है डेरिवेटिव फाइंड करके, तो वैसे ही वेलोसिटी से पोजीशन कैसे मिलेगी, इंटीग्रेशन से। तो ये जो इक्वेशन है हम लोग इसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो देखो कैसे होगा, वी इज इक्वल्स टू हमें दिया है इस केस में 4t³ - 2t, राइट। वेलोसिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dt, राइट। एंड नाउ दिस विल बी 4t³ - 2t। यहाँ पे एक चीज याद रखो, हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, हमने सिर्फ वेलोसिटी को dx/dt के फॉर्म में लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, dx को यही पे रखते हैं और 4t³ - 2t और dt को शिफ्ट कर देते हैं, सो दैट मुझे इंटीग्रेशन लेने में इजी हो जाएगा, राइट। तो अब देखो इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4t³ - 2t इंटू dt, ओके। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन सेपरेट कर देते हैं, और जैसे डेरिवेटिव में हम लोग कॉन्स्टेंट को बाहर लिखते हैं वैसे इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं। तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ t³ - dt, इधर साइन से उधर dt से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटीग्रेशन ऑफ t² dt, और दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x, ओके। सो हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ x^n dx इज इक्वल्स टू x^(n+1)/(n+1) होता है। तो ये फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ x dx मतलब x, 4 इंटीग्रेशन ऑफ t³ - t+1/(3+1) - 2 times, यहाँ पे t है इसलिए 1+1/(1+1). सो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 4 times t^4/4 - 2 times t²/2, तो 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, तो ये बच गया t^4 - t², दैट इज व्हाट द x, ओके। नाउ यहां पे देखो क्वेश्चन में अगर चलते हम लोग वापस, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पार्टिकल कहां पे 2 मीटर पे, मतलब x की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर है। तो यहां पे हम लोग नेक्स्ट पेज में चलेंगे, देखो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से था, x इज इक्वल्स टू t^4 - t²। तो x की वैल्यू यहां पे कितनी है, 2 है, 2t^4 - t², राइट। तो अब इसकी मदद से हमें t मिल जाएगा, कैसे चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, 0 = t^4 - t² - 2, सो ये हो जाएगा t^4 - t² - 2 = 0। स्कूल में आपने इसको सॉल्व किया है, हम लोग क्या करते हैं, पुट t² = x, तो फिर t² = x रखा तो क्या हो जाएगा, x²-x - 2 = 0। और एक्चुअली x सिंबल ऑलरेडी हमने यूज किया, इसलिए x के जगह हम लोग दूसरी वैल्यू रखेंगे, लेट्स इट इज y, तो मैं यहाँ पे y रख देता हूँ। तो अब क्या होगा, देखो y²-y - 2 = 0। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, मुझे 2 टर्म ऐसी चाहिए कि जिसका मल्टीप्लीकेशन -2 और सब्ट्रैक्शन -1 आ जाए, तो -2 + 1, राइट। तो y²-2 और यहाँ पे हो जाएगा y चाहिए था सिंपली, और यहाँ पे रहेगा y+1, ओके। ये इक्वेशन हमने 10th में सॉल्व किया, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो एक मिनट, यहाँ पे y1 चाहिए था, हियर इज 1। तो अब y-2 = 0 और y = +1 चाहिए। सो y की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई, और y कितना हो जाएगा, -1। लेकिन एक्चुअली y क्या है, y मतलब है t square, तो t square = कितना, 2, और
टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, स्क्वायर रूट अगर लेते तो टी की वैल्यू हो जाएगी प्लस टू, और टी स्क्वायर इक्वल्स टू रूट माइनस वन। और रूट माइनस वन मतलब क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, ये कोई रियल नंबर नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको स्किप कर देंगे। तो टाइम क्या मिल गया देखो हमें, रूट टू सेकंड। तो इस टाइम के लिए अभी हमें फाइंड करना है इस केस में एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमने देखो फाइंड करके रख दिया था पहले से, इक्वेशन था कुछ ऐसे, ए इज इक्वल्स टू, लोग यहां पे चेक कर लेते हैं एक्सेलरेशन का इक्वेशन, ये था 12 टी स्क्वायर माइनस टू। ओके, तो इट इज 12 टी स्क्वायर माइनस टू, तो 12 टी स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ टू होल स्क्वायर माइनस टू, सो 12 इंटू टू माइनस टू, तो ये हो जाएगा 24 माइनस टू दैट इज 22। तो यहां पे जो आंसर आएगा दैट इज 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये रहेगा एक्सेलरेशन इस केस में। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था बट कंसेप्ट अगर क्लियर है तो सॉल्व करना इजी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड व्हेन कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन फॉर 4 सेकंड ऑन इट, इट मूव्स विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी यहां पे बदल जाती है इन अपोजिट डायरेक्शन, सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट। ओके, तो यहां पे हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग जो इनिशियल जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। लेट्स कंसीडर कि इनिशियली ये पार्टिकल इधर जा रहा था विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, मतलब न्यू वेलोसिटी जो रहेगी माइनस ऑफ 2 मीटर पर सेकंड रहेगी। यहां पे माइनस का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। और टाइम यहां पे दिया है 4 सेकंड के लिए, फोर्स एग्जर्ट हुआ था और मास था 10। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो v2 माइनस v1 अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये है माइनस 2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है प्लस 10, डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 4, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस 10 मतलब माइनस 12 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 3। ओके, तो मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो यहां से देखो क्लियर क्या होता है कि इनिशियल जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन थी पार्टिकल की, अब जो न्यू डायरेक्शन है वो उसके अपोजिट है और इसलिए यहां पे माइनस साइन आ रहा है, और वी कैन से पार्टिकल जो है वो रिटार्ड हो रहा है क्योंकि निगेटिव एक्सेलरेशन है। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।